हेलो दोस्तों, मैं सुरेश, मेरा सिक्योरिटी एनालिसिस बाय सुरेश जी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं रैक्सिन जैकेट को पेट्रोल से वॉश करूंगा। दोस्तों, पेट्रोल वॉश आप लोग देखिए दोस्तों, ऐसे पेट्रोल वॉश किया जाता है। आप दोस्तों, पेट्रोल आपके पास नहीं है, अगर बाइक से नहीं निकाल पाते हैं पेट्रोल, हमने दोस्तों बाइक से निकाल लिया है पेट्रोल, तो आपके पास अगर पेट्रोल नहीं है तो दोस्तों ये तारपीन का तेल है दोस्तों, सफ़ेद रंग का है, इससे भी आप कर सकते हैं। कितना कोई इसको व्हाइट पेट्रोल बोलता है, हम दोस्तों इसको व्हाइट पेट्रोल नहीं कहेंगे, इसको दोस्तों हम तारपीन का तेल ही कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों ले लिए हैं, आज ये दोनों सुवास करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले दोस्तों ये एक रैक्सिन जैकेट कस्टमर ने घर पर धोया था दोस्तों, जिस कारण वो ख़राब हो गया। ख़राब हो जाने की वजह से दोस्तों फिर मुझे ठीक करने के लिए दिया गया, तो मैं उसे ठीक करके दिया हूँ दोस्तों। तो आप लोगों ने दोस्तों रैक्सिन का जैकेट अगर दोस्तों नहीं देखा है, मेरा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, आप रैक्सिन का जैकेट देख सकिए दोस्तों कैसे धोया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम रैक्सिन का जैकेट लिए हैं, ये भी रैक्सिन है दोस्तों, इसको हम करेंगे पेट्रोल से वॉश, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर आप लोग देखे होंगे इसमें दोस्तों तेल और क्रीम वगैरह लगा देता है तो चमकने लगता है, तो मैल के ऊपर दोस्तों तेल और क्रीम देने से मैल और बैठ ही जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो पहले इसको पेट्रोल से क्लीन करना पड़ता है, पेट्रोल से दोस्तों क्लीन, मैल इसका क्लीन हो जाने के बाद तब दोस्तों इसके ऊपर आप जो है क्रीम उरीम जो लगाते हैं लगा सकते हैं, या हम तो कहेंगे दोस्तों इसको पेट्रोल से ये करने के बाद इसमें पॉलिश करने से सबसे अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम आज खाली हम सिर्फ दोस्तों आज पेट्रोल से वॉश का तरीका बताएँगे, कैसे पेट्रोल से वॉश किया जाएगा रैक्सिन का जैकेट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, फटाफट आप देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ मैल है वो पे आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों हाथा में है, और इधर में दोस्तों है, यहाँ भी है, और कॉलर में भी है दोस्तों, ये देख लीजिए दाग सब, मैल सब बैठ गया है। ये सब ये जो मैल जमा है दोस्तों, इसको हम क्लीन करेंगे, इधर भी मैल जमा है इसको भी क्लीन करेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट कॉटन ले लेते हैं, कॉटन में दोस्तों ये पेट्रोल से भिंगा लेते हैं। चलिए दोस्तों, फटाफट भिंगा लिए हैं, ये देखिए दोस्तों पेट्रोल ले ले रहे हैं, फटाफट ले लेते हैं दोस्तों। देखिए कॉटन भींग गया है, अब दोस्तों तो जो है कॉलर में हमको घसना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तब मैल साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए घसते हैं, धीरे धीरे करके घस देना है, देखिए दोस्तों इसी तरह दोस्तों पूरे कॉलर को घस देना, और सूखा हुआ कॉटन रखिएगा, उससे दोस्तों पोंछ दीजिएगा तो मैल क्लीन हो जाएगा। इसी तरह से इस साइड भी हम कॉलर में घसेंगे पेट्रोल, देखिए दोस्तों घस दिए, घसने के बाद अब सूखा हुआ कॉटन से दोस्तों पोंछ देंगे। इसी तरह से दोस्तों जहाँ जहाँ मैल उल है पूरे जैकेट को ही हमको दोस्तों क्लीन करना है, तो मैल पहले मैल के ऊपर दे देते हैं, ये बाजू में मैल है, यहाँ भी दोस्तों घस देते हैं। देखिए दोस्तों क्लीन हो गया, कॉटन गंदा हो गया, ये सूखा हुआ तौलिया से भी आप पोंछ सकते हैं, सूखा हुआ कपड़ा से, साफ कपड़ा से पोंछिएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा बाजू भी ले लेते हैं, दूसरा साइड का हत्था में दोस्तों यहाँ पर भी घस देते हैं, और सूखा हुआ तौलिया या कॉटन से पोंछ देते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पॉकेट के पास दोस्तों यहाँ मैल है, देख लीजिए। तो इसको दोस्तों इसको भी हम हटाएंगे, आपके पास अगर पेट्रोल नहीं है तो ये तारपीन का तेल ले सकते हैं। ये देखने में एकदम पानी की तरह है, लगेगा कि पानी है, लेकिन इससे दोस्तों हम आग जला के आपको दिखा देंगे तब आपको पूरा विश्वास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑयल है, तारपीन का तेल है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फटाफट इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। आपके पास अगर सूती का कपड़ा है दोस्तों, ये देखिए सूती का ये तौलिया लिए हैं, इसको भी दोस्तों तेल से भिंगा करके आप पोंछ सकते हैं। आपके पास अगर कॉटन नहीं है, रुई नहीं है, तो आप दोस्तों सूती का ये तौलिया या सूती का कोई चादर ले सकते हैं दोस्तों, सूती का कपड़ा से, साफ कपड़ा से इसको दोस्तों पोंछते जाना है, ठीक है दोस्तों। गंदा कपड़ा से नहीं पोंछेगा, साफ कपड़ा से पोंछेगा। तो ये देखिए दोस्तों, तारपीन तेल से हम पोंछ के दिखा दिए, उससे भी क्लीन होता है और पेट्रोल से भी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब पेट्रोल से भी हम क्लीन करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मैल है ये कॉटन से घसते जाते हैं, और ये तौलिया से दोस्तों हम पोंछते जाएंगे, ठीक है। देखिए पेट्रोल दे दिए, तौलिया से पोंछ दिए, देखिए दोस्तों क्लीन हो गया। इसी तरह से दोस्तों बाजू में जहाँ जहाँ मैल है, हर जगह पूरे जैकेट को हम दोस्तों पेट्रोल से घसेंगे और तौलिया से पोंछेंगे, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों आप देखते हैं पीछे की तरफ, ये देखिए दोस्तों पीछे की तरफ भी जहाँ जहाँ माइल है पूरे दे देते हैं पेट्रोल। पेट्रोल से घसने के बाद तौलिया से पोंछ देते हैं। देख लीजिए दोस्तों अब अंदर की तरफ दोस्तों ये कपड़ा लगा हुआ है, अंदर में अगर मैल है तो अंदर में भी आप पेट्रोल से घस सकते हैं। देखिए दोस्तों दे दिए हैं और तौलिया से पोंछ दिए हैं। देखिए दोस्तों अब दोस्तों इसको हैंगर में लटका के सूखने देना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। जैसे तैसे सूखने नहीं दीजिएगा, हैंगर में देने से सबसे अच्छा होता है। इसके बाद सूख जाने के बाद दोस्तों इसमें हम पॉलिश करेंगे। और दोस्तों मेरे पास समय उतना नहीं है, नहीं तो हम आपको पॉलिश का भी वीडियो ज़रूर दिखाते हैं। ये एकदम पानी की तरह लगता है और ये भी सोचेगा कि पेट्रोल का कलर देख के दोस्तों इसमें कोई ये कोई वॉशिंग पाउडर या लिक्विड यूज कर रहा है, तो नहीं दोस्तों ये पेट्रोल ही है। चलिए हम इसको देखते हैं, आपको आज जला करके दिखाते हैं। देख लीजिए दोस्तों ले लिए हैं। अब ये वाला लेते हैं दोस्तों तारपीन का ऑयल, तारपीन का तेल, ठीक है दोस्तों ये भी ले लिए हैं। देख लीजिए अब दोस्तों हम यहाँ आग नहीं करेंगे। और दोस्तों आप लोगों से दोस्तों हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि ये वाला दोस्तों जैसा हम अभी पेट्रोल का टेस्ट करके दिखा रहे हैं घर पर ट्राई ना करें। और दोस्तों हमारा काम ही है पेट्रोल वॉश करना, हम लोग का काम दोस्तों ज़्यादातर पानी का ही काम है, पेट्रोल का काम कम होता है। जिसमें पेट्रोल वॉश का ज़रूरत है उसी में ही करते हैं दोस्तों, हम सब कपड़ा में पेट्रोल वॉश नहीं करते हैं, हम ड्राई वॉश करते हैं कुछ कुछ कपड़ा को, ज़्यादातर कपड़ा को धो करके सुखाते हैं, कुछ कुछ कपड़ा को पेट्रोल वॉश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप ये करते हैं ये बहुत ही रिस्की है, बहुत ही ख़तरनाक है, कृपया करके प्लीज़ प्लीज़ डोंट ट्राई योर एट योर होम दोस्तों, घर पर ये कोशिश ना करें, कोई हादसा हो सकता है, हम नहीं चाहते हैं आपके साथ कोई गलत हादसा हो जाए, ठीक है दोस्तों। हम आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें दोस्तों पेट्रोल लिए हैं और तारपीन का तेल लिए हैं, आग जला के दिखा देंगे, आप लोगों का विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये ऑयल से काम हुआ है, पेट्रोल और तारपीन का तेल से काम हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब हम ये दोनों में से ले लिए हैं और दोस्तों अब चलिए आग जलाएंगे। तो यहाँ हम नहीं जलाएंगे क्योंकि दोस्तों एक्सीडेंट हो सकता है, हम दूर में जाके आग जलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फटाफट अब जो है हम आग जलाएंगे। देख लीजिए दोस्तों यहाँ दोस्तों ठीक है, फांका जगह है। देख लीजिए दोस्तों ऑयल ही था क्योंकि हम फेक वीडियो दिखा करके दोस्तों लोगों से व्यू नहीं पाना चाहते हैं। देख लीजिए दोस्तों आपके सामने हम प्रूफ कर दिए। अब आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।